प्रधानमंत्री का असम विजन क्या है? झूठे भाषण, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। असम पूरे देश में अपनी संस्कृति, संस्कारों, सहिष्णुता और सद्भावना के लिए जाना जाता है, मगर पिछले 5 वर्षों में सत्ता की भूख मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने न केवल बंटवारे का बीज बोया, अपितु CAA के माध्यम से असम की भाषा, भूषा और भेषज यानी रीति रिवाज और पहरावे, उन पर गंभीर आक्रमण किया है। असम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर झूठ और धोखा नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से लेकर असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल जी तक विकास के नाम पर झूठ पर झूठ परोसते रहे। असम के विकास के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं की, पर उन सारी घोषणाओं का धरातल खोखला निकला। आज जब पहली चुनावी सभा प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, तो 3.5 करोड़ असम के नागरिकों की ओर से 5 साल के झूठ, 5 साल के फरेब और 5 साल के धोखे का हिस्सा मांगने वाले 10 सवाल हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप पर विश्व का सबसे बड़ा झूठ। 26 मार्च 2016 याद करिए, मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप असम के मांजुली में भाषण दिया और वादा किया, एंड आई कोट, उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री को वोट दीजिए, हम यहां ब्रह्मपुत्र नदी पर तुरंत पुल का निर्माण करेंगे। आज मोदी जी से असम ये जानना चाहता है कि आपने 5 वर्षों तक इस घोषणा की सुध क्यों नहीं ली। आज 5 वर्षों बाद चूंकि असम में चुनाव है, तो आप माजुली से जोरहाट तक उसको जोड़ने के लिए 925 करोड़ रुपए के पुल निर्माण के भूमि पूजन की रसम अदायगी का नया झूठ क्यों बोल रहे हैं? 2016 से 21 तक क्या किया? दूसरा सवाल, लिया वोट का मौका और एक्सप्रेस वे के नाम पर असम को दिया धोखा। प्रधानमंत्री जी और भाजपा सरकार द्वारा 2017 में यह घोषणा की गई, याद करिए, कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों पर 40,000 करोड़ रुपया लगाकर 1300 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। सर्वानंद सोनोवाल जी ने और नितिन गडकरी जी ने आपके माध्यम से बहुत सुर्खियां बटोरी, पर अभी 8 फरवरी 2021 को देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी ने यह बताया, और मैं पेपर आपको रिलीज कर रहा हूं, कि ऐसे किसी एक्सप्रेस वे के बनाने का कोई प्रपोजल भी मोदी सरकार के पास नहीं। तो फिर पिछले 5 साल से यह धोखा क्यों? और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको रिलीज कर दूंगा। तीसरा, असम की पहचान मिटाने का षड्यंत्र है CAA, आप देख भी रहे हैं। मोदी और सर्वानंद सरकार ने असम की मूल पहचान, संस्कृति, सभ्यता, उन पर कुठाराघात करने के लिए नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 10 जनवरी 2020 को क्यों नोटिफाई किया? मोदी जी जवाब दीजिए। मोदी जी, क्या आप इस विधानसभा चुनाव के बाद असम में बर्बरतापूर्ण तरीके से इस काले कानून को लागू करने की योजना बना रहे हैं? और भाजपा का झूठ देखिए,
जब पश्चिम बंगाल में मोदी जी जाते हैं तो जोर से कहते हैं कि सीएए लागू करेंगे। अब तमिलनाडु का घोषणा पत्र जारी किया बीजेपी और एआईएडीएमके ने, तो कहा कभी सीएए लागू नहीं करेंगे, और जब असम आते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। तो बंगाल में कहते हैं लागू करेंगे, असम में चुप हो जाते हैं, और तमिलनाडु में कहते हैं लागू नहीं करेंगे। तो ये धोखा और दोगली नीति का कारण हम सबको बताएं आज मोदी जी। चौथा, घोषणा करके वोट बहुत बटोरा पर काम का पन्ना रह गया कोरा। और मैं आपके लिए 20 प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट लाया हूं जो आपको रिलीज कर रहा हूं। मोदी और सर्वानंद सरकार ने 10,860 करोड़ रुपया के कामों की घोषणा कर खूब वोट बटोरे, मगर अपना उल्लू सीधा कर असम के विकास को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और दोस्तों, ये वो सूची है और ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, कौन सा काम कितना हुआ आप ये पाएंगे इस सूची में जो हम आपको रिलीज कर रहे हैं। 0%, 0%, 0,0,0,0,0,8%, 4%, 0.67%, 26%, 43%, इस प्रकार से ये सूची पढ़ते जाइए। और ये 20 कामों की 11,000 करोड़ की ये सूची है। तो मोदी जी ये बताइए कि आपकी सरकार ने, भाजपा ने असम से ये धोखा क्यों किया। पांचवा सवाल, कुशासन ही बना भाजपाई शासन और पिछड़ेपन में असम को धकेला, यही है भारतीय जनता पार्टी की झूठ का मेला। साथियों, 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के असम के शासन में और कुशासन में हर पायदान को देश में असम को पीछे धकेल दिया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन भारत सरकार के, मैं आपको 3 आंकड़े जारी कर रहा हूं केवल, ये हमारे नहीं है, ये मोदी सरकार के खुद के हैं। पहला है स्टेट जीडीपी। जब हमने सरकार छोड़ी तो स्टेट जीडीपी की दर थी 15.67%। 5 साल में सर्वानंद सोनोवाल और हेमंता बिस्वा शर्मा के कुशासन के बाद अब स्टेट जीडीपी है 6.3%, यानी 100, 120, 125% गिर गई बढ़ने की बजाय। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार का आंकड़ा है 5 साल के बाद। दूसरा है, भारत सरकार रैंक करती है कि कौन सा स्टेट सबसे अच्छा है। उन सारे स्टेट्स की रैंकिंग में जब कांग्रेस ने शासन छोड़ा 2015-16 में, तो देश में सबसे ऊपर से हम 2 नंबर पे थे, यानी लगभग देश में सबसे ऊपर थे। अब मोदी सरकार ने बताया कि 19-20 में हम 2 नंबर से गिरकर 20वें पायदान पर हो गए। सर्वानंद सोनोवाल की करामात देखिए। तीसरा है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय की प्रतिशत में 2015-16 में यह 13% सालाना बढ़ती थी, 13% हर साल बढ़ती थी जब हमने सरकार छोड़ी। 5 साल के बाद मोदी सरकार ने खुद बताया कि यह 3.4% हो गई है, यानी 10% प्रति व्यक्ति आय आसाम के लोगों की गिर गई। यह हम नहीं कह रहे, ये मोदी की सरकार कह रही है। और चौथा है रैंक अमंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ये भी 3 से 26 हो गई है। तो सवाल बड़ा सीधा है, असम को कुशासन के अंधेरे में धकेलने का जवाब आज मोदी जी देकर जाएं, हमारा ये सवाल उनसे है। नंबर 6, लगाई बेटी बचाने की झूठी गुहार और फैलाया उनके जीवन में अंधकार। मोदी जी और असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल जी
बेटियों को बढ़ाने और पढ़ाने के नाम पर असम में जैसे जैसे झूठ परोसते गए, वैसे वैसे असम की बेटियों की जिंदगी अंधकारमय होती गई। और यह मैं नहीं कह रहा, यह भी मोदी सरकार कह रही है। समूचे देश में, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने असम को महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित प्रांत बना दिया है। इट इज द मोस्ट अनसेफ स्टेट फॉर विमेन इन इंडिया। पिछले 3 सालों में अकेले असम में 81,000 महिलाएं अपराधों की शिकार हुई, ये सरकार का आंकड़ा है। और पूरे देश में अगर महिला अपराध दर आप देखें, ये कागज भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, ये हमारा कागज नहीं है, ये भारत सरकार का है, ये भारत सरकार ने रिलीज किया है। तो पूरे देश में महिला अपराध दर अगर आप देखें तो पूरे देश की औसत है 62 और असम की औसत है 177.8 या 178। तो पूरे देश में सबसे अधिक महिला अपराध दर अब असम में है, यह मोदी सरकार ने बताया है। और यही नहीं साथियों, नाबालिग बेटियों को खरीद फरोख्त के देश के कुल मामलों में से आधे हमारे प्रांत में है। तो असम में महिला असुरक्षा और अपराध की दर का जवाब आज मोदी जी देकर जाएं। मोदी जी से 7वां सवाल, सत्ता की आड़ और बच्चों और बेटियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 अब सामने आ गया है और उसने ये बताया कि पिछले पांच सालों में असम की महिलाएं और बच्चे वो स्वास्थ्य की योजनाओं के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। असम में 2015 में जहां 6 से 49 माह के 35% बच्चों में एनीमिक थे, यानी खून में कमी थी, वो अब 2020 में बढ़कर लगभग दुगनी हो गई है, यानी 68.4%। ये डेटा भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। तो जो बच्चों में एनीमिक है या खून की कमी है वो डबल हो गई। इसी प्रकार से जो कुल महिलाओं में एनीमिक थी वो उसकी संख्या और ज्यादा चौंकाने वाली है। लगभग 40% थी 2015 में, 100 में से आज वो संख्या भी 66% हो गई है, यानी 20% इजाफा हुआ ठीक होने की बजाय। तो असम में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ के लिए कौन जिम्मेवार है, मोदी जी जरूर बताएं। 8वां, वोट के लिए फांसा और गरीब को आवास का दिया झांसा। मोदी जी ने बढ़ चढ़कर वादा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो असम के शहर हैं उनमें उस घर का स्वप्न साकार होगा। 25 जून 2015 को आप जानते हैं ये योजना शुरू हुई थी, केवल 2,19,000 घर ही हमें दिए के बनाएंगे। उन 2,19,000 में भी 5 सालों में सर्वानंद सोनोवाल और मोदी जी की सरकार ने 20,895 मकान बनाए। तो उन 3 लाख में भी आपने मुश्किल से 21,000 मकान बनाए। इस धोखे का क्या जवाब है? और 9वां, झूठ का जाल और जल जीवन मिशन बदहाल। बंगाल में हमने देखा मोदी जी जल जीवन मिशन की, बंगाल सरकार की आलोचना करते हैं, पर वो ये बताना भूल गए कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन में 3,60,000 करोड़ रखने का वादा किया था और उसको अब 2 साल बीत गए। उन 2 साल में मोदी सरकार ने देश में जल जीवन मिशन में केवल 22,000 करोड़ दिया, यानी 6% पैसा ही दिया, और असम के साथ तो और भेदभाव किया। यहां ये कहा कि 63 लाख जो ग्रामीण परिवार हैं उनमें से 59 लाख ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पानी देंगे। अब सरकार ये कहती है कि 3 साल बाद 59 लाख में से 56 लाख वंचित हैं।
यानी 59 लाख में से 56 लाख को कुछ फायदा दे ही नहीं पाए। कारण मोदी जी ने केवल 1600 करोड़ असम को दिए। उन 1600 करोड़ में से जो स्वीकृत किए असल में दिए 523 करोड़। और छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। सोनोवाल जी ने उन 523 करोड़ में से भी 398 करोड़ ही इस्तेमाल किए, बाकी रखे बैठे। तो ये है जल जीवन मिशन का धोखा। तो इसका जवाब भी देते जाएं। और आखिरी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जार जार और असम को किया बीमार। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो CHC हैं उन पर सर्जन, फिजिशियन, महिलाएं, बच्चों के विशेषज्ञ 708 होने चाहिए, इतने पद हैं, पर उन 708 में से 136 केवल हैं, यानी 85% गांव में डॉक्टर ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, यह असम की सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि गांव में 85% डॉक्टरों की कमी है। और जो गुवाहाटी एम्स बनना था, जिसकी घोषणा 24 मई 2017 को की गई, इसमें 1123 करोड़ की राशि जो थी उसमें से आज तक 5 साल के बाद, हेमंत जी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं पर पैसे केवल 341 करोड़ ही दिए मोदी जी ने। 1123 करोड़ में से 341 करोड़ दिए, और इन 341 करोड़ में से भी 257 करोड़ कर्ज दे दिया हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के माध्यम से। तो 341 में से 257 करोड़ कर्ज है, तो 100 करोड़ रुपया भी नहीं दिया आपने, तो कैसे एम्स बनेगा? और इसीलिए आज तक ये भारत सरकार ने बताया है कि 37% ही प्रोग्रेस हुई है। इस हिसाब से तो जब अगला चुनाव आएगा 2026 में, तब भी गुवाहाटी का एम्स पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मोदी जी इस धोखे का भी जवाब दें, क्योंकि असम जवाब भी मांगता है और हिसाब भी मांगता है।